हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बीरी पोड़ो पिठा। बीरी मतलब उड़द दाल। उड़द दाल से बनने वाली पोड़ा पिठा को बोलते हैं बीरी पोड़ो पिठा। ये जगन्नाथ मंदिर की 56 भोग में से भी एक है और ये जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है बोलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप उड़द दाल, 2 कप चावल, कुछ ग्रेटेड कोकोनट और कुछ टुकड़े कोकोनट, जैगरी यानी कि गुड़। गुड़ ये मेरे पास पाउडर वाले थे। ये नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल होते हैं, बाकी हर जगह ऐसे पाउडर वाले गुड़ मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप नॉर्मल गुड़ भी ले सकते हैं। घी थोड़े से ही चाहिए फ्लेवरिंग के लिए। और ये सौंफ, इलायची, काली मिर्च और तेज पत्ता, ये भी हमें फ्लेवर के लिए चाहिए। ये मोटी वाली सौंफ लेनी है, पतली वाली नहीं है। और थोड़े से नमक टेस्ट के अनुसार। तो अब हम शुरू करते हैं पोड़ो पिठा बनाना। इसके लिए हमें उड़द दाल और चावल को एक दिन पहले ही भिगो के रखना है। और ये 6-7 घंटे भीगने के बाद इसको हमें ग्राइंड करके ओवरनाइट छोड़ देना है। ओवरनाइट छोड़ने से उसमें थोड़ा सा वो फूल जाता है बैटर, उससे बहुत ही सॉफ्ट बनती है पोड़ो पिठा। ये मैंने बैटर को एक दिन पहले से पीस के रख लिया था। ये अब हम इसके ये बनाएंगे। ये देखिए ये कैसे फूला हुआ है। इसकी कंसिस्टेंसी भी ऐसे ही रहना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और ये देखिए ये बिल्कुल चिकना नहीं है, इसमें हल्का, अगर आप ऐसे हाथ करेंगे तो आपको इसमें हल्का सा सूजी से ऐसे दाना हाथ में लगेगा। अब हम एक ग्राइंडर ले लेंगे, ये गुड़ को एक बार हम ग्राइंड कर देंगे ताकि अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे दाने हैं। तो अच्छा, ये जो पोड़ो पिठा होता है ये बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता है, बहुत बहुत ही कम मीठा होता है, तो उस हिसाब से हम लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून गुड़ लिया है। अच्छा, गुड़ के साथ हम ये सौंफ, इलायची और ये काली मिर्च को पीस देंगे ताकि ये इसकी फ्लेवर अच्छे से आ जाए बैटर में और ये मुंह में भी नहीं लगे। ये आज हम माइक्रोवेव में भी बनाएंगे और गैस में भी बनाएंगे। तो माइक्रोवेव को हमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करना है। तो मैं माइक्रोवेव को प्री हीट सेटिंग कर देती हूँ। हमने माइक्रोवेव का प्री हीटिंग स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसमें सारे ये मिला देंगे, गुड़ मिला देंगे। ये जो गुड़ और काली मिर्च, सौंफ, इलायची मैंने पीसा था वो मैं इसमें मिला के अच्छे से फेंट लूंगी। और ये तेज पत्ता भी। अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली है। इसकी स्टफिंग के लिए हम नारियल को थोड़ा सा गुड़ के साथ फ्राई कर लेंगे। अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम गैस को सिम करके इसमें ये जो नारियल ग्रेट करके रखा था वो डाल देंगे। और इसमें हम 5 टेबल स्पून के करीब गुड़ डाल देंगे। और इसको मिला देंगे नारियल के साथ। ये हमें तब तक इसको कुक करना है जब तक ये नारियल का पानी बिल्कुल सूख ना जाए और साथ में ये गुड़ पूरा मेल्ट हो जाए। ये हमारा नारियल बिल्कुल कुक हो चुका है, इसमें कोई पानी नहीं है। अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे, पैन को गरम करने रख देंगे। ये क्योंकि मैंने नॉन स्टिक पैन नहीं लिया है, इसका नॉन स्टिक इफेक्ट देने के लिए ये हेवी बॉटम पैन है, तो हमेशा इस तरह के काम के लिए थोड़ा हेवी बॉटम पैन लेना चाहिए। इसमें मैं घी अच्छे से लगा के
इसको गर्म होने रख दूंगी। ये अगर अच्छे से गर्म हो जाएगा तो ये अपने आप एक नॉनस्टिक पैन की तरह काम करेगा। साथ ही में मैं केक टिन जो है उसको भी मैं ग्रीस कर देती हूँ, ये जो हम जिसको हम माइक्रोवेव में बनाएंगे, माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड में बनाएंगे। अब हम इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं, तब तक हम बैटर में नमक और ये नारियल के टुकड़े डाल के इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। नमक आप आपके स्वाद के हिसाब से डालिए, मैं यहाँ पे हाफ टीस्पून के करीब नमक डाल रही हूँ। और ये सारे नारियल इसमें मैंने टुकड़े नारियल आपको अगर पसंद है तो डालिए, नहीं तो ग्रेटेड कोकोनट भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो टुकड़े नारियल जो मुझे मुंह में आते हैं बहुत अच्छा लगता है। ये जो पोड़ो पिठा है ट्रेडिशनली ये लकड़ी के चूल्हे में बनती है, और जब लकड़ी के चूल्हे में बनती है और जो जगन्नाथ मंदिर में बनता है वो मिट्टी के बर्तन से बनता है, तो नीचे उसके केले के पत्ते दी जाती है, उसकी एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये ऑप्शनल है, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं दें, मेरे पास था तो मैंने थोड़े से केले के पत्ते इसमें दे दिए हैं। अब ये केले के पत्ते को मैं ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी, घी लगा दूंगी, आपकी मर्जी आप घी लगाएं या ऑयल लगाएं, लेकिन जो ट्रेडिशनल मिठाइयां हैं वो घी में ही उसकी अच्छी टेस्ट आती है, खुशबू भी अच्छी आती है घी की। ये देखिए ये कितना गर्म हो रहा है, अब इसको सीम करके मैं छोड़ देती हूँ। तब तक मैं इसमें भी, ये गर्म हो चुका है, मैं इसमें भी केले के पत्ते डाल देती हूँ। और ध्यान से कीजिएगा, ये बहुत गर्म है तो हाथ में ना लग जाए। अब हम इसमें ये बैटर को डाल देंगे। अब मैं इसके ऊपर स्टफिंग डाल दूंगी। अब हम इसको ढककर कम से कम 15-20 मिनट तक पकाएंगे। इसको हम बिल्कुल सिम पे पकाएंगे, तो मैं सबसे छोटे वाले बर्नर में इसको शिफ्ट कर रही हूँ। अब इसी बीच हम ये माइक्रोवेव वाला भी तैयार कर देते हैं। ये माइक्रोवेव में नहीं बनेगा, ये कन्वेक्शन मोड में बनेगा, तो अगर किसी के पास माइक्रोवेव नहीं ओटीजी है तो ओटीजी में डायरेक्ट बना सकते हैं। कन्वेक्शन मोड मतलब ओटीजी बन जाता है माइक्रोवेव, तब वो माइक्रोवेव काम नहीं करता। ये देखिए ये मेरा कन्वेक्शन मोड में ओवन में जाने के लिए तैयार हो गया है। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी घी स्प्रेड कर देती हूँ। क्योंकि हम माइक्रोवेव से दोबारा निकालेंगे नहीं, इसलिए मैं पहले से घी डाल रही हूँ। और इसमें भी अब ये साइड साइड से पकने लगा है, अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी। इसके लिए बस इतना ही घी चाहिए, ये बहुत हेल्दी मिठाई है। इसको थोड़ा सा ऐसे टैप कर दीजिए, अगर अंदर कोई एयर बबल्स हो तो वो बाहर निकल जाएगा। ये हमारा माइक्रोवेव में जाने के लिए तैयार है। 30 मिनट के लिए 200 डिग्री में मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया। उसके बाद हम एक बार फिर चेक करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम टेम्परेचर को फिर टाइम बढ़ाएंगे, और ये भी उसके बाद हम चेक करेंगे। ये 15-20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। ये देखिए ये 20 मिनट हो चुका है। अब ये देखिए ये ऊपर से बिल्कुल हमारा हार्ड हो चुका है,
अब हम इसको पलट देंगे दूसरी तरफ ताकि ये तरफ भी थोड़ा काला हो जाए। इसको पलटने का थोड़ा थोड़ा सा ट्रिक है, पर थोड़ा एक बार ध्यान से करेंगे तो ये पलट जाए। ये 10 मिनट हो चुका है, ये मेरा पक चुका है। अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे और इसी पैन में हम इसको 4-5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो भी मॉइस्चर ये ऊपर की तरफ लगा हो और नीचे से भी थोड़ा अच्छे से कुक हो जाए, जो पैन की गर्मी से ही ये कुक हो जाएगी। और ये मैंने जो माइक्रोवेव में रखा था वो भी बनके तैयार हो गया है। माइक्रोवेव में जब बनाते हैं तो उसको चेक करने का सिस्टम ये होता है कि आप ऐसे किसी एक धारदार चीज को इसके अंदर पोक करेंगे। अगर आपकी यहाँ पे कोई बैटर का जो लिक्विड पार्ट है वो लिक्विड ना लगे, इसका मतलब अंदर से बैटर बिल्कुल कुक हो चुका है और ये तैयार हो चुका है। ये मेरा तैयार हो गया है, ये मुझे 30 मिनट से पहले ही हो गया। मेरा 4 मिनट और बाकी था इसमें, मतलब 26 मिनट में मेरा ये हो गया। अच्छा, जब माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड में आप बनाते हैं तो आपकी माइक्रोवेव, हर माइक्रोवेव की पावर और टेम्परेचर अलग अलग होती है, उसकी बनावट अलग होती है। जैसे मेरे पास सैमसंग की माइक्रोवेव है तो उसमें हॉट ब्लास्ट बोल के मोड होता है जिसमें वो गर्म हवा को अंदर बहुत अच्छे से घुमा सर्कुलेट करता है जिससे थोड़ी जल्दी कुक हो जाती है। तो आप आपकी माइक्रोवेव के हिसाब से आप उस चीज का सेट करिए। जैसे मैंने आपको 30 मिनट कहा है तो आप 25 मिनट्स रखिए, उसके बाद उसको चेक करते करते 5 मिनट बढ़ाते जाइए ताकि आपकी जो पोड़ोपिठा है वो जले भी नहीं और अच्छे से कुक हो जाए। और जब भी आप चेक करेंगे उसको माइक्रोवेव से बाहर कभी मत निकालिए, माइक्रोवेव के अंदर रख के ही चेक कीजिए। माइक्रोवेव से बाहर निकालने से क्या होता है, उसकी जो हीट है वो कम हो जाती है। आप जैसे ही उसको बाहर निकालते हैं और ज्यादा देर के लिए खुला रखते हैं तो माइक्रोवेव के अंदर की जो टेम्परेचर हम प्री हीट करके जो टेम्परेचर सेटिंग करते हैं वो कम हो जाती है, तो जिसमें कुकिंग प्रोसेस में भी प्रॉब्लम आती है, या तो लेट हो जाता है या खाने की जो चीज हम बना रहे हैं उसके टेस्ट में चेंजेस आती है। इसलिए कभी भी माइक्रोवेव के अंदर से चीजों को बाहर निकाल के चेक मत कीजिए, उसी के अंदर ही रख के उसको चेक कीजिए। ये मेरा माइक्रोवेव का भी बन गया है, इसको भी मैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देती हूँ, फिर इसको मैं निकालूंगी। ये देखिए, ये मेरा बन के तैयार हो गया, ये कैसे आराम से निकल रहा है। अब हम इसको एक इसके ऊपर से ये जो केले के पत्ते हैं इनको निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने केले के पत्ता निकाल लिया है, अब इसको मैं एक थाली में निकाल दूंगी। अब फिर ये इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट दूंगी। ये देखिए, ये मेरे फ्राइंग पैन में गैस में बनी हुई पोड़ोपिठा है। ये देखिए दोनों तरफ इसकी कैसे बनी है, और ये मैंने माइक्रोवेव में बनाई है कन्वेक्शन मोड में। ये देखिए, अब मैं इनको काट पीसेस में काट के इसको हम सर्व कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने इनको पीसेस में काट लिया है और ये मेरे माइक्रोवेव में बनी हुई पोड़ोपिठा है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। और ये मेरी गैस पे बनी हुई फ्राइंग पैन पे बनी हुई, ये भी देखिए ये कितनी सॉफ्ट है। अब ये सर्विंग के लिए तैयार है। इसको थोड़ा हल्का गर्म हो तब खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, या तो ठंडा रूम टेम्परेचर में। इसको फ्रिज में आप रख सकते हैं, इसकी स्टोरेज टाइम है, आप 3 से 4 दिन आप इसको फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। लेकिन आप उसको फ्रिज में से निकाल के रूम टेम्परेचर में ला के खाइए ताकि इसकी जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छी लगेगी, ठंडे में इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारी इंडियन स्टाइल ट्रेडिशनल केक है बिना मैदे की, आप इसको ट्राई कीजिए एक बार।
ये देखिए, ये मेरा पोड़ो पिठा बन के तैयार हो गया है, और इसको आप प्लीज बनाइए, खाइए। आपको कैसे लगता है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी जो नई वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।